हेलो एवरीबडी इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू बोला क्या है रामकली सेव्ड एक रामकली नाम की लड़की है उन्होंने सेव किए हैं रुपीज़ फाइव पाँच रुपए ठीक है इन द फर्स्ट वीक पहले हफ्ते में पाँच रुपए उन्होंने सेव किए हैं ऑफ द ईयर एक साल के पहले हफ्ते में पाँच रुपए सेव किए एंड देन इनक्रीज हर वीकली सेविंग पहले हफ्ते में पाँच रुपए किए फिर दूसरे हफ्ते में पाँच रुपए प्लस में वन पॉइंट सेवन फाइव रुपीज़ फिर सेव किए इफ द एन्थ वीक अगर ऐसे ही वो सेव करती रही तो बताओ कौन से वीक में उनकी जो सेविंग है वो बीस रुपये और सेवनटी फाइव पैसे बन जाएगी ये आपसे पूछा है मतलब इसको आप ए पी की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करोगे फिर वो एन की वैल्यू आपको बतानी है तो पहले मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ कि क्या क्या गिवन है मैथ इज़ ऑल अबाउट गिवन से टू फाइंड तक पहुँचना तो वॉट इज़ द गिवन टू अस गिवन है कि रामकली ने पहले वीक में सेव किए पाँच रुपये तो पहली जो ए पी की जो टर्म होगी वो पाँच रुपये आएगी दूसरे वीक में कितने सेव किए पाँच रुपए तो किए ही किए प्लस में वन पॉइंट सेवन फाइव उसमें ऐड कर दो उतने और सेव किए फिर तीसरे वीक में कितने किए फाइव रुपीज़ प्लस में टू टाइम ऑफ वन पॉइंट सेवन फाइव इस तरीके से रामकली सेव करती गई पैसा और लास्ट में उसके पास में किसी एक ऐसे वीक में कौन से वीक में ये नहीं पता यही बताना हमको ये फर्स्ट वीक का है ये सेकंड वीक का है ये थर्ड वीक का है और एक टाइम पे आके उनकी जो सेविंग हो गई बीस रुपये और सेवेंटी फाइव पैसे समझ में आ गई बात तो आपको बताना है कि जो बीस रुपये सेवेंटी फ़ाइव पैसे हैं वो कौन से वीक के रुपीज हैं दिस इज वॉट वी नीड टू फाइंड हेयर कि जो ये पैसे हैं वो कौन से वीक में उनके जाके होंगे तो दिस इज फॉर द फर्स्ट वीक दिस इज फॉर द सेकेंड वीक दिस इज फॉर द थर्ड वीक और दिस इज एनथ वीक मतलब कौन से वीक में यो एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कैसे फाइंड करेंगे दिस फाइंड करते हैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी यहाँ पे सबसे पहले जो आपको ए और डी और ए एन की वैल्यूज लिख लेते हैं ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म ए पी का पहला टर्म क्या है फाइव है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फाइव ओके उसके बाद में बात आती है डी की जो कि होता है कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इज़ नथिंग बट वन पॉइंट सेवन फाइव क्योंकि इंक्रीमेंट हर बार वन पॉइंट सेवन फाइव की हो रही है तो मैं लिख सकता हूँ डिफरेंस इज वन पॉइंट सेवन फाइव ओके उसके बाद में यहाँ पे ए एन की वैल्यू ए एन क्या होता है वो टर्म जो आपको पूछी हुई है तो टर्म क्या होगी ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव विल बी योर टर्म तो यहाँ पे लिख सकते हो ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव आपको निकालना क्या है आपको निकालनी है एन की वैल्यू उस एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि जिस वीक में जिस एन पे ये पैसे ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव में कन्वर्ट हो गए थे यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करनी, वैल्यू पुट करनी है ए की वैल्यू पुट करनी है डी की वैल्यू पुट करनी है जस्ट कैलकुलेट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एन जिस पुट द वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू पुट करते हैं तो ए एन की जगह वैल्यू पुट करेंगे क्या ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव क्लियर हुई बात येस yes, क्लियर हुई सर ए की वैल्यू होगी फाइव प्लस में एन माइनस वन विल बी एज इट इज़ और कॉमन डिफरेंस कितना होगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन पॉइंट सेवन फाइव विल बी योर वन पॉइंट सेवन फाइव विल बी योर कॉमन डिफरेंस अब जस्ट आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो बस आपको कुछ नहीं करना है इसको ही कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन को तो यहाँ लिखना है आपको ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव इज इक्वल टू फाइव प्लस में एन माइनस वन इन टू में वन पॉइंट सेवन फाइव वन पॉइंट सेवन फाइव ये फाइव को आप शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई विद वन पॉइंट सेवन फाइव अगर मैं ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव से फाइव माइनस करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू आती है फिफ्टीन पॉइंट सेवन फाइव विच इज़ इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई विद हाउ मच वन पॉइंट सेवन फाइव अब ये मल्टीप्लीकेशन में है सेवन वन पॉइंट सेवन फाइव तो डिवीज़न में चला जाएगा तो फिफ्टीन पॉइंट सेवन फाइव डिवाइडेड विद वन पॉइंट सेवन फाइव ओके जो कि इक्वल होगा किसके एन माइनस वन के आपको तो एन की वैल्यू निकालनी है ना तो यहाँ पर जब इसको कट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी नाइन तो यहाँ पर लिख सकते हो नाइन इज इक्वल टू एन माइनस वन अब ये माइनस वन को शिफ्ट करोगे तो यहाँ नाइन प्लस में वन हो जाएगा और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी दस तो एन मतलब दसवें वीक में जाके टेंथ वीक में जाके उनके जो सेविंग होगी वो कितनी होगी ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव तो ये जो वैल्यू आई वो कौन से वीक की आई ट्वेंटी वीक की आपकी ये वैल्यू है समझ में आई बात क्लियर हुई बात या नहीं हुई मुझे कमेंट बॉक्स बॉक्स में बताओ कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब तो करना ही है ओके okay?